दोस्तों नमस्कार। मैं निर्दोष कुमार, आपका अपना छोटा भाई, ऑनलाइन मनी गुरु, स्वागत करता हूँ आपका आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। वॉइस में कुछ दिक्कत है मेरे, क्योंकि इतनी बात करनी पड़ती है आप लोगों से कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा। बाकी ये वीडियो आपको बहुत नॉलेजेबल होगी, और ख़ास तौर से मैं इस वीडियो को बेसिकली आपको फोर्सेस के बिजनेस प्लान को क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो डेडिकेटेड होगी फोर्सेज विद ऑनलाइन मनी गुरु एलाइट चैंपियंस टीम के लिए। वो इस वीडियो का अपना फ्री यूज कर सकते हैं, उनको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे ग्रुप के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करता है, तो ये ऑनलाइन मनी गुरु की जो डिजिटल एसेट्स है उसके तहत कॉपीराइट है, तो वो ऐसा ना करें। आप हमारी टीम में जाकर के किसी के साथ भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करने का आपको जो अमाउंट है हमारी टीम में बेसिकली आपको वो लिया जाता है, आपसे वो आपसे 1500 रुपये लिया जाता है। 1500 रुपये क्यों लिया जाता है, उसके पीछे कारण है। इसके 1500 के हम $20 दे देते हैं उसको। $20 क्या होता है, $20 के अंदर ज्वाइनिंग हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या है कह रहे हैं, 1000 की ज्वाइनिंग है, 900 की ज्वाइनिंग है, 500 की ज्वाइनिंग है। सर जी, हमें आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट से मतलब नहीं है। हम 1500 रुपये लेते हैं, उसके बदले में $20 देते हैं। और आज एक डॉलर की वैल्यू 75 से 76 रुपये है, ठीक है। आप इस हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे तो भी हम आपसे कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी लग रहा है वो लग रहा है, बाकी जो है वो आपके ही ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे ग्रुप के साथ तो ट्रांसपेरेंसी बहुत है। जितना ट्रांसपेरेंट हमारा ग्रुप है उतना शायद पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे ग्रुप के साथ चोरी चपाटी बिल्कुल नहीं होती है। तो आइए, आपका ज्वाइनिंग का अमाउंट क्लियर हो गया। आई होप सो कि आपको 1500 देने हैं, उसके बदले में आपको $20 लेने हैं। $20 अगर आप बाहर से वजीरैक से फोर्स जेपे से कहीं से भी खरीदते हैं, तो आपको 1500 के $20 वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस भी देने होते हैं। वो तो हम अपना लॉस करके आपको देते हैं, क्योंकि हम टीम को इनकम करवाने में भरोसा करते हैं, खुद कमाने में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। हालांकि अगर आप मेरी इनकम की बात करो तो मेरी आईडी है 169593। इसको आप फोर्सेज के अंदर जाकर के चेक कर सकते हो। 8 दिन के अंदर, विद इन एट डेज, हमने 4000+ डॉलर की इनकम की है, ठीक है। 4000+ डॉलर की इनकम की है। तो वो सारी टेक्निक्स हमें पता है कि कैसे इनकम होती है, तो वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं। इसमें होता क्या है, दो स्लॉट होते हैं, एक होता है F3 और एक होता है X4, ठीक है। तो ये जो X3 होता है ये वर्किंग पे काम करता है हमारा, और X4 जो होता है वो हमारा वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग पे काम करता है, ठीक है सर। वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग पे काम करता है आपका X4, और जो आपका X3 है, बहुत समय के बाद सर लिख रहा हूँ तो राइटिंग का इशू है, आप उसको माइंड मत कीजिएगा। हालांकि आप आज ये वीडियो समझ में जरूर आएगा आपको, जो आवाज़ मेरी आ रही है। तो चलते हैं, आपका जो ज्वाइनिंग का अमाउंट है, ठीक है, फोर्सेज के अंदर जो आपका ज्वाइनिंग अमाउंट है वो है 0.05 इथेरियम। डॉलर नहीं है आपका, वो है ज्वाइनिंग आपका 0.05 इथेरियम। इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 12 से $14 के बीच में आ जाती है। प्लस इसमें आप नेटवर्क का फीस मिला दीजिए, जो कि हम नहीं लेते हैं, वो इथेरियम का प्लेटफॉर्म लेता है। तो लगभग आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 16 से $17 के अंदर हो जाती है। अगर हम $20 देते हैं तो आपके 4 से $5 आपके पास बच जाते हैं, उन्हें आप हमें ही बेच सकते हो। ठीक है, उन्हें आप हमें बेच सकते हो और हमसे आपका बचा हुआ अमाउंट ले सकते हो, ठीक है। तो अभी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि जो आपका ज्वाइनिंग अमाउंट है वो कितना है। वो है आपका 0.05 इथेरियम, राइट। 0.05 इथेरियम जितने का भी आएगा उतने की ही ज्वाइनिंग है, प्लस उसमें आप अपनी नेटवर्क फीस लगा लीजिए, जो भी होगा वो आपका ज्वाइनिंग अमाउंट होगा।
अभी क्या होता है फोर्सेस के अंदर, जैसे ही आप फोर्सेस में 0.05 इथेरियम आते हैं लेकर के, देन आपका क्या होता है कि आपके साथ जो ये अमाउंट है वो दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। आपका ये अमाउंट दो भागों में बढ़ जाता है, बेसिकली पहला होता है FX3 और दूसरा भाग होता है FX4, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि बहुत टाइम के बाद लिख रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। FX3 और FX4 में क्या होता है, जो आपका अमाउंट है FX3 में वो जाता है 0.025 इथेरियम और X4 में भी जाता है 0.025 इथेरियम। यानी आपका ये जो 0.05 है ये दो बराबर भागों में बट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से X3 में आपका भी 0.025 इथेरियम होता है और X4 में भी आपका 0.024 इथेरियम आता है। इसके बाद अभी आप मैं आपको बताता हूँ, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, आफ्टर ज्वाइनिंग क्या होता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझिए, आफ्टर ज्वाइनिंग जो हमारा X3 है, FX3, और एक है हमारा FX4। जो FX3 है वो हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, X3 हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है और X4 हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है, राइट। अभी ये कैसे वर्क करता है इसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि हमारा जो X3 है वो कैसे वर्क करेगा और X4 कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, उस व्यक्ति का नाम है ए, राइट। तो X3 की जो बॉक्स की वैल्यू है वो 0.025 इथेरियम, तो आपको जो भी X3 में व्यक्ति आएगा उससे 0.025 इथेरियम मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जो ये वैल्यू है X4 में, वो भी पहला बॉक्स है वो है 0.025 इथेरियम का। यानी X4 में जो व्यक्ति आएगा वही आपको 0.025 इथेरियम देगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी आप एक व्यक्ति को लाए X3 में, ए व्यक्ति को लाते हैं और ए व्यक्ति आपका ज्वाइन करता है X3 में, तो इससे आपको जो इनकम आएगी वो इनकम आएगी 0.025 इथेरियम की, ठीक है। ए व्यक्ति से आपको इनकम आएगी 0.025 इथेरियम की। यही ए व्यक्ति आपका X4 के दो मैट्रिक्स को कंप्लीट करेगा और इससे जो इनकम है वो मिलेगी 0.025 की, लेकिन ये इनकम चली जाती है आपकी अपलाइन को, याद रखिएगा, ये इनकम जो है वो आपको ही चली जाती है आपकी अपलाइन को, ठीक है। तो X4 के जो दो बॉक्स हैं ऊपर के वो आपकी अपलाइन को इनकम दे देते हैं, आपके X3 वाले आपको इनकम दे देते हैं, ठीक है। अभी आप B व्यक्ति को लाते हैं X4 के अंदर, ठीक है। B व्यक्ति आता है आपका X4 के अंदर, सॉरी X3 के अंदर, इससे भी आपको जो इनकम होती है वो होती है 0.025 इथेरियम की, ठीक है। और यही भी व्यक्ति आपके X4 में जाता है, X4 में कहाँ पर जाता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो यहाँ पर आता है वो भी व्यक्ति, और इससे भी इनकम होती है 0.025 इथेरियम की, लेकिन 0.025 भी क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो पहला वाला स्लॉट है वो 0.025 का है, X3 में 12 स्लॉट है, X4 में भी 12 स्लॉट है, वो आप देख चुके होंगे PDF में। तो आपका जो पहला स्लॉट है वो 0.025 इथेरियम का है, इसलिए आपको हर व्यक्ति 0.025 ही मिलेगा। लेकिन ये आपको एक चीज याद रखनी है X3 और X4 में, कि X3 में जो ऊपर के पहले दो स्लॉट हैं, ये वाले A और B जो पहले स्लॉट हैं, ये आपको इनकम देंगे, है ना, ये आपको डायरेक्ट इनकम देंगे। और आपके जो पहले X4 के जो पहले यही दो जो व्यक्ति आपने ज्वाइन करवाया, यही दो व्यक्ति आपको, आप पहले दो व्यक्ति आपकी अपलाइन को इनकम देंगे। बात इतनी समझ में आ गई ना सर, ये जो आपने पहले दो व्यक्ति लगाए इससे आपको इनकम मिलेगी X3 से, ठीक है। X3 देगा आपको इनकम और X4 देगा आपके अपलाइन को इनकम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। यानी अगर आप दो व्यक्ति ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, अगर आप दो व्यक्ति को ज्वाइन करवा देते हैं
तो आपको दो व्यक्तियों से 0.025 मिलता है दो से, और आपका जो लगा हुआ है 0.05 इथेरियम वो आपको वापस मिल जाता है। आपने दो व्यक्तियों को ज्वाइन करवाया तो किस प्रकार से आपको मिलता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया और क्लियरली समझा दिया, ठीक है। अभी आते हैं हम तीसरे व्यक्ति पे, ठीक है। तीसरे व्यक्ति का क्या सीन है दोनों में, आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, डिलीट नहीं करता, मैं आगे स्लाइड बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, X3 में क्या हो गया हमारा अभी तक, X3 और FX4 यहाँ पे हमारा अभी तक क्या हो चुका है, अभी तक मैंने ए व्यक्ति को ज्वाइन करवा दिया है, इससे 0.025 हमें इनकम आ चुका है। यही व्यक्ति ए हमारे यहाँ X4 में आया था, इससे हमारी इनकम अपलाइन को जा चुकी है। अभी बी व्यक्ति को हम ज्वाइन करवा चुके हैं और इससे भी 0.025 की इनकम आ चुकी है और वो भी हमें मिल चुकी है। और यही बी व्यक्ति हमारे X4 के पहले वाले स्लॉट में आएगा, इससे भी हमारी इनकम जो है वो अपलाइन को जा चुकी। इतना हमने समझ लिया इससे पहले। अभी हमारा सी व्यक्ति आ रहा है। अभी ये जो सी व्यक्ति है आपके X3 का, ये सी व्यक्ति से भी आपको 0.025 की इनकम होगी, लेकिन ये आपका क्या कर देता है, आपके आईडी को रिएक्टिव कर देता है। रिएक्टिव करने से क्या होता है, ये इनकम आपको मिलती नहीं है, ये आपकी इनकम इन्वेस्ट हो जाती है X3 में आपके स्लाइड में, ठीक है। आपकी स्लाइड में जो वैल्यू है इस पहले स्लाइड की, इसमें ये 0.025 इन्वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अपलाइन को सी से इनकम चली जाती है। क्योंकि जब आपने अपनी आईडी लगाई थी ना, तो आपका डायरेक्ट इनकम स्पॉन्सर को मिला था, इसीलिए जब आपकी सी सी से तीसरे बंदे से जब आपकी आईडी अपग्रेड होगी तो फिर से आपके अपलाइन को इनकम जाएगी। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए सी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको एक तरीके से कह देता है कि आपको सिस्टम में दोबारा एंट्री दिलवाता है ना, जैसे आप पहली बार ज्वाइन करते हैं वैसे ही सी व्यक्ति आपको पहली बार फिर से ज्वाइन करवा देता है, ताकि आपके जो ए बी सी और है ना, ए और बी और सी, ये डिब्बे फिर से खाली हो जाते हैं। अभी ये चीज़ तो समझ में आ गई कि सी भाई हमारे X3 को अपग्रेड कर देगा ये, लेकिन ये सी कहाँ जाएगा। अभी मैंने बताया कि जो X3 है वो 3x3 का मैट्रिक्स है और जो X4 है वो 2x2 का मैट्रिक्स है, तो अभी इसमें 2 लाख से ज़्यादा आएगा नहीं, तो अभी ये सी जो होता है ये के इधर आ जाता है, ठीक है। और चूंकि स्लॉट 0.025 का है, इसलिए यहां से आपको 0.025 सी X4 से इनकम देगा। बात समझ में आ गई ना आपको। X3 से सी आपको इनकम नहीं देता है, आपकी अपलाइन को इनकम देता है, आपकी अपलाइन को इनकम देता है, लेकिन X4 में सी जो है वो आपको इनकम देता है। बात क्लियर हो गई। अभी आपको मैं और दिखाता हूँ। अब जो चौथा बंदा आएगा, अभी तीन बंदों का हमने देख लिया, 3 पर्सन आ गए हमारे पास। अभी जो चौथा पर्सन हम डायरेक्ट लगाएंगे, तो वो जहां पर ए था वहीं पर आएगा चौथा व्यक्ति। बात समझ रहे हैं, यहां पर आपका डी आएगा, जहां पर ए है वहां पर डी आ जाएगा, और इससे भी आपको 0.025 की इनकम होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने बताया कि जो पहले दो स्लॉट हैं वो आपको इनकम देंगे, तो पहले दो स्लॉट X3 के आपको इनकम देते हैं। इन दो स्लॉटों में जो भी आएगा, चाहे वो चौथा है चाहे छठा है चाहे दसवां है, वो आपको इनकम देगा। और X4 के ऊपर के दो स्लॉटों में जो भी आएगा, वो आपके अपलाइन को इनकम देगा। बात इतनी क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। अब जो चौथा बंदा है डी, वो तो यहां आ गया, लेकिन डी अब या X4 में कहाँ जाएगा, तो X4 में ये चला जाता है बी के साथ ए में, तो बी के साथ ए में जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी आएगा तो वो 0.025 की इथेरियम की इनकम ही जनरेट करेगा, तो ये 0.025 फिर से देगा। तो ये किसको देगा, ये आपको देगा, क्योंकि X4 के ऊपर के दो डिब्बे से केवल इनकम अपलाइन को जाती है और X3 के पहले दो डब्बों से इनकम आपको जाती है। अभी हम बात करेंगे पांचवें व्यक्ति की। पांचवा व्यक्ति हम ज्वाइन करवाते हैं, तो पांचवा व्यक्ति कहाँ जाएगा, तो पांचवा व्यक्ति जाएगा X3 में, जहां पर बी था, राइट। जिस डिब्बे में बी था उसी डिब्बे में हमारा पांचवा व्यक्ति जाएगा और हमें फिर से 0.025 इथेरियम की इनकम देगा। अभी आप समझ जाइएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। 0.025 की इनकम देगी। अब ये जो ई व्यक्ति है, ये था आपका ई व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति। अब ये X4 में कहाँ जाएगा, तो X4 में ये आपके
ए के बी में जाएगा, राइट, ए के बी में जाएगा, ए के बी में जाएगा तो भी कितने इनकम देगा ये, 0.025। ये 0.025 ही क्यों देता है, क्योंकि ये स्लॉट ही X3 X4 का पहला स्लॉट का डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये मैं आपको फर्स्ट स्लॉट की डिस्कशन कर रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट स्लॉट जिसकी वैल्यू ही 0.025 है, इस बॉक्स की वैल्यू 0.025 है, इसलिए इस बॉक्स के अंदर जो भी व्यक्ति आएगा इतनी ही इनकम देगा। तो अभी आपको इससे मिल गया, अभी आपका छठवां व्यक्ति आएगा। छठवां व्यक्ति जो आ रहा है वो आपको मैं पीले कलर से दिखा देता हूं। जो छठा व्यक्ति आएगा वो यहां पर आएगा, ठीक है, जहां पर सी है वहां पर छठा व्यक्ति आएगा, ठीक है, और ये आपकी आईडी को फिर से रीटॉप अप करेगा, यानी कि जो तीसरे नंबर का व्यक्ति है ये केवल आपकी आईडी को 3, 6, 9, 12 यानी 3 के पहाड़े में जो भी व्यक्ति आता है ना वो आपकी आईडी को रीएक्टिवेट करेगा और आपके अपलाइन को इनकम देगा। इतनी बात आई होप सो क्लियर होगी। अब ये जो सी व्यक्ति है, ये छठा व्यक्ति है, कौन सा, एफ, छठा व्यक्ति कौन है हमारा, एफ। तो ये हमें अब एक एक बी में X4 में कहाँ जाएगा, तो X4 में बी के पास आएगा, बी के बी में आएगा और ये भी हमारी आईडी को रीएक्टिव करेगा। क्या करेगा सर, अरे यार कहाँ गया, ये हमारी आईडी को रीएक्टिव कर देगा, ठीक है ना, ये हमारी आईडी को कर देगा रीएक्टिव। तो अभी आपको चीज समझ में आ गई, हो क्या रहा है गेम, गेम ये हो रहा है कि अभी मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ आपको। और अभी सभी से इस बॉक्स में आपको 0.025 की इनकम आएगी, सी से भी आपको जो इनकम आएगी वो आएगी 0.025 इथेरियम की, ठीक है। तो अभी मैं फ्रेशली आपको दोबारा से समझा देता हूँ जो होगा वो क्या होगा, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, अभी मैं नंबर करके समझा दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है। चलो नंबर करके बता देता हूँ मैं आपको, ये X3 है, अरे तरह की, ये X3 है और ये X4 है, ठीक है। X3 और X4 में क्या हो रहा है कि X3 में क्या हो रहा है कि एक नंबर का व्यक्ति, दो नंबर का व्यक्ति, तीन नंबर का व्यक्ति, ठीक है। X4 में एक नंबर का व्यक्ति, दो नंबर का व्यक्ति, तीन नंबर का व्यक्ति, चार नंबर का व्यक्ति, पांच नंबर का व्यक्ति और छह नंबर का व्यक्ति, ठीक है। अभी आप समझिएगा इसमें होगा क्या, ये तीन बॉक्स आपको X3 में मिलेंगे और दो के दो दो मिलेंगे X4 में। तो ये जो पहले दो लोग हैं, ये जो पहले पहले दो लोग हर बॉक्स के लिए, आप समझिएगा, अब आप चाहे वो 0.025 का स्लॉट हो, चाहे वो 0.05 का स्लॉट हो, चाहे 0.1 का स्लॉट हो, चाहे कोई भी 12 के 12 स्लॉट में यही रूल चलेगा। ये जो पहले दो व्यक्ति हैं वो आपको इनकम देंगे, आपको इनकम देंगे, ठीक है। और इसमें X4 में क्या होगा कि ये आपके जो पहले दो व्यक्ति हैं, ये जो पहले दो व्यक्ति ना आपके, ए पहला और दूसरा, ये आपकी अपलाइन को इनकम देंगे, ठीक है। पहले दो व्यक्ति और ये छठा व्यक्ति, यानी X4 से तीन व्यक्ति अपलाइन को इनकम देंगे। बात आ रही समझ में, पहला दूसरा और छठवां, ये किसको 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 इनकम देंगे सर, पहला दूसरा और छठवां व्यक्ति जो है वो आपके अपलायन को इनकम देगा। कितनी इनकम देगा, तो प्रत्येक व्यक्ति से 0.025 इथेरियम आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा X4 से, तो ये जो 3, 4 और 5 नंबर के व्यक्ति हैं, अरे यार ठीक है, ये जो आपके 3, 4 और 5 नंबर के व्यक्ति हैं,
ये 3, 4 और 5 ये आपको इनकम देंगे। आप समझ लीजिए इस बात को। 3, 4 और 5 नंबर के व्यक्ति X4 से हैं जो, वो आपको इनकम देंगे। पहला, दूसरा, छठा व्यक्ति आपके अपलाइन को इनकम देगा। और X4 की बात है ना, पहला और दूसरा व्यक्ति आपके अपलाइन को इनकम देगा, और तीसरा, चौथा और पांचवा व्यक्ति आपको इनकम देगा। कितनी इनकम देगा? प्रत्येक व्यक्ति से आपको 0.025 ही आएगा। ठीक है, अभी X3 का क्या सीन है भाई? X3 में पहला और दूसरा व्यक्ति आपको इनकम देगा। कितनी इनकम देगा? जितना क्या वो स्लॉट है, 0.025। पहला स्लॉट है आपका 0.025 इथेरियम का, तो आपको ये इतनी ही वैल्यू मिलेगी। तीसरा जो बंदा है ये आपको आपकी अपलाइन को इनकम देगा। यानी आप इस सिस्टम की पावर को समझिएगा, पांच बंदों से आपको इनकम आती है X3 और X4 के, और दो चार बंदों से सीनियर को इनकम आती है। ठीक है, कैसे? पहले दूसरे छठे और तीसरे से ये बंदा अपलाइन को इनकम देगा। तीसरा जो होता है ये आपको अपलाइन का इनकम देता है। अभी मुझे लगता है इससे अच्छा समझाने का तरीका कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपका X3 में जो है, X3 में पहला और दूसरा ये इनकम जोन है। यानी X3 में पहला और दूसरा जो स्लॉट है, पहला और दूसरा जो गोला है, आप अपनी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो पहला और दूसरा जो गोला है वो आपको इनकम देगा। ठीक है, और तीसरा जो गोला है वो आपके अपलाइन को इनकम देगा। और X4 में क्या है? X4 में जो पहला, दूसरा और छठवां है वो आपका अपलाइन को देगा, और तीसरा, चौथा, पांचवां ये आपका इनकम जोन है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट से निपट जाइए। अभी 12 स्लॉट है, तो 12 स्लॉट की वैल्यू के आधार पे आपको क्या मिलेगा? सिस्टम अभी समझ में आ गया होगा, आपका साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, जब भी तीसरा व्यक्ति आएगा, छठा व्यक्ति आएगा, नौवां व्यक्ति आएगा, तो आपकी X3 की साइकिल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, और यहाँ X4 में छठा व्यक्ति, बारहवां व्यक्ति, अठारहवां व्यक्ति वो आपका साइकिल कंप्लीट करेगा। बात आ रही समझ में? 18वां व्यक्ति आपकी साइकिल को कंप्लीट करेगा X4 में, सॉरी, छठा व्यक्ति, 12वां व्यक्ति, यानी कि जो 6 के पहाड़े में आएगा वो आपकी साइकिल को कंप्लीट करेगा X4 में, और जो 3 के पहाड़े में आएगा वो कंप्लीट करेगा X3 की साइकिल। ऐसी ही सारी साइकिल 12 स्लॉटों में चलेंगी। पहले स्लॉट में पहले दो व्यक्ति आपको इनकम देंगे, और X4 से तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति आपको इनकम देगा। और दूसरे स्लॉट में 0.025 मिलेगा सभी से, तीसरे स्लॉट में 0.1 मिलेगा सभी से, चौथे स्लॉट में 0.2 मिलेगा सभी से, पांचवें स्लॉट में 0.4 मिलेगा सभी से। मतलब जिस बॉक्स में, मान लीजिए अभी मैं आपको ये चीज और क्लियर कर दूं, शायद किसी को प्रॉब्लम हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे एक डब्बा बना है, आपके स्लॉट है, मान लीजिए ये स्लॉट है, इधर लिखा है 12.6 इथेरियम। तो यानी कि इस बॉक्स में, मान लीजिए ये बॉक्स है आपका X3 का है, ठीक है, जो 11वां बॉक्स है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक व्यक्ति आता है ए, तो इससे कितना इनकम होगा? तो आपको 12.6 इथेरियम का इनकम होगा एक व्यक्ति से। तो बात समझ में आ रही है? तो 0.025 वाले स्लॉट से 0.025, और 12.6 वाले से 12.6, बी व्यक्ति से भी आपको 12.6, और सी व्यक्ति से आपको अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम X4 में चलेगा, तो 12.6 वाले स्लॉट से 12.6 इनकम जाएगा आपके प्रत्येक व्यक्ति से। आई होप सो, इससे अच्छा समझाने वाला कोई आपको YouTube में मिलेगा नहीं। अभी मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन देता हूँ पहले स्लॉट की, उसी आधार पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर ये साइकिल मैं 6 लोगों की बना रहा हूँ, ठीक है, 6 लोगों को डायरेक्ट करने से क्या इनकम आ सकता है? ठीक है, एक साइकिल, स्पेलिंग गलत होगी साइकिल। देखो, आप पहला व्यक्ति लगाते हैं तो उससे X3 से आपको $6 मिलेगा, दूसरा व्यक्ति लगाते हैं तो X3 से आपको $6 मिलेगा लेकिन X4 से नहीं मिलेगा, तीसरा व्यक्ति लगाते हैं तो आपको X4 से $6 मिलेगा, चौथा व्यक्ति लगाते हैं तो आपको X3 से $6 प्लस X4 से भी $6 मिलेगा, पांचवा
पांचवा व्यक्ति जो है वो आपको X3 से भी 6 डॉलर देगा प्लस X4 से भी 6 डॉलर देगा। कैसे देगा स्ट्रक्चर में आपको ऊपर समझा चुका हूँ। और जो छठे नंबर का व्यक्ति होगा वो X3 से भी आपको 0 देगा और X4 से भी आपको 0 इनकम देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों X3 में और X4 में आपको रीएक्टिव करता है। ठीक है, तो बस इतना सा ही सीन है, इतना ही सा प्लान है। इसी को समझने के लिए लोगों को रात दिन मेहनत करनी पड़ रही है। सिंपल सी बात है, आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो मैंने समझाया है ये किस स्लॉट के लिए वैलिड है? ये आपका 0.025 वाले स्लॉट के लिए है। ठीक है, 0.05 वाले स्लॉट के लिए क्या होगा, ये इनकम जस्ट डबल हो जाएगी। यानी X3 के पहले बंदे से आपको 12 डॉलर मिलेगा 0.0205 के लिए। ठीक है, इधर से 12 मिलेगा, इधर से 12 मिलेगा, इधर से फिर आपको 24 मिलने लग जाएगा अगर 0.0205 में जा रहा है बंदा। तो अब जाएगा कैसे, वो अपग्रेड करके जाएगा। वो आप अपनी आईडी को ज्वाइन केवल आप 0.025 से करेंगे। इसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा अलग अलग बॉक्स को, X3 के अलग बॉक्स को परचेज करना पड़ेगा, X4 के अलग बॉक्स को परचेज करना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करके ही बंदा बॉक्सों में जाएगा। पहले बॉक्स में जाएगा तो X3 के पहले बॉक्स में जाएगा तो 12 डॉलर देगा, दूसरे बॉक्स में जाएगा तो 12 डॉलर देगा, तीसरे बॉक्स में जाएगा तो कुछ नहीं देगा, लेकिन X4 से हमें 12 डॉलर देगा। तो ये चीज़ आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करना ठीक नहीं है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बिजनेस प्लान को फोर्सेज के समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज आपको कोई दुनिया में समझा नहीं सकता। X4 में मैंने ये बताया जब आप खुद वर्किंग करते हो तब ऐसे भरेगा, लेकिन नॉन वर्किंग वालों का भी ऐसे ही भरता है। सीनियर से भी आ जाता है कोई बंदा, जूनियर से भी आ जाता है, कोई क्रॉस लैग से भी आ जाता है, कहीं से भी बंदा आता है। अगर वो जो क्रम मैंने बताया है पहला दूसरा, अगर वहाँ पर कोई बंदा आएगा वो कहीं से भी आए तो सीनियर को इनकम जाएगी। तीसरे चौथे पांचवें में आता है, चाहे वो अपलाइन से आए, डाउनलाइन से आए, क्रॉस लाइन से आए, कहीं से भी आए, वो आपको इनकम देगा। ठीक है, तो ऑटो पूल का भी समझ में आ गया, मैंने सारा क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको आई होप सो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो हो गया 27 मिनट का, सो बहुत हो चुका है लंबा, लेकिन आपको बहुत डिटेल में मैंने कर दिया एक्सप्लेन। सो आई होप सो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा प्लान में। सेम साइकिल सभी 12 के 12 बॉक्सों में चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।